हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ड्रग चार्ट केस में रिया चक्रवर्ती ने लिया मुकेश छाबड़ा का नाम, बोले कानूनी कार्रवाई करूंगा। धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदने की बात को कबूल किया है और ड्रग्स की खरीद और इस्तेमाल के साथ ही रिया ने बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लिए थे। इन सेलिब्रिटीज से जल्द ही एनसीबी पूछताछ कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इन नामों के बारे में काफी चर्चा की जा रही है और बताया जा रहा है कि रिया ने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें सारा अली खान, रकुल प्रीत और मुकेश छाबड़ा का नाम भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अब चुप्पी तोड़ी है और रिया के इन तमाम दावों को गलत बताया है। यहाँ तक कि जो मुकेश छाबड़ा है उन्होंने रिया को धमकी दी है और मानहानि का केस उनके खिलाफ करने का फैसला भी लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी का भी एकदम से नाम ले रही है, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उन्हें केस में मदद मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा किसी भी तरह से ड्रग से कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो सिगरेट और शराब तक नहीं पीता, तो हार्ड ड्रग्स लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुकेश छाबड़ा यही नहीं रुके, उनका आगे कहना है रिया ने उनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने रिया का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा वो मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैंने उनके सपोर्ट में कभी भी कुछ नहीं बोला, मैं हमेशा चुप रहा और यही वजह है कि रिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। वाकई में ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब एनसीबी ने रिया से तमाम सवाल किए तो अब रिया सबकी पोल पट्टी खोल रही है जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और इसी लिस्ट में रिया ने नाम सारा अली खान का भी लिया है। खबरें तो ऐसी भी है कि जल्द ही एनसीबी सारा को समन भेज सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। यही माना जा रहा है कि जब रिया ने मुकेश छाबड़ा का भी नाम लिया है तो यकीनन मुकेश से भी सवाल जवाब एनसीबी कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही।